एक्टर आमिर खान के बेटे की डेब्यू फिल्म महाराज पर इन दिनों तलवार लटक रही है। सोशल मीडिया के यूजर्स का दावा है कि महाराज फिल्म धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाती है। इसको लेकर गुजरात हाई कोर्ट में फिल्म के रिलीज पर रोक लगाने के लिए याचिका भी दायर की गई है। याचिका दायर होने की वजह से कोर्ट ने सुनवाई करते हुए जुनैद की इस फिल्म का रिलीज को टाल दिया है। ऐसे देखे तो फिल्म इंडस्ट्री में अक्सर ही ऐसे धार्मिक मामलों को लेकर फिल्में बनाई जाती हैं। कुछ फिल्में विवाद होने के बाद भी रिलीज हो जाती हैं तो कुछ लटक कर रह जाती हैं। अभी फिलहाल महाराज फिल्म का भी यही हाल हो चुका है। आमिर खान के बेटे जुनैद खान की पहली ओट फिल्म को लेकर बायकॉट की मांग उठ रही है। लोगों का कहना है कि जुनैद की इस फिल्म ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, इसलिए इस मूवी का रिलीज होना सही नहीं है। बता दें कि गुजरात कोर्ट ने भी इस मूवी की रिलीज पर रोक लगा दी है। तो आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। दरअसल जुनैद खान और एक्टर जयदीप अहलावत की फिल्म महाराज की कहानी 1862 के महाराज मानहानि मामले की कहानी पर आधारित बताई जा रही है, जो भारतीय कानून के इतिहास में गहरा प्रभाव डालता है। इस फिल्म में जुनैद पत्रकार और समाज सुधारक रहे करसन दास मुरली का किरदार निभा रहे हैं, जिन्होंने महिलाओं के अधिकार एवं सामाजिक सुधार के लिए आवाज उठाई थी। दरअसल इस मूवी पर विवाद छोड़ने की वजह यह है कि मानहानि मामले में हिंदू महाराज के करसन दास पर मानहानि का केस किया था और उनके भक्तों की छवि को बिगाड़ रही है।